बच्चों ढाल क्या है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ढाल कोई भी सरल रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से जितना एंगल बना रही होती है, कोण बना रही होती है, उसका टेन उस रेखा का ढाल कहलाता है। अब मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि अगर मुझे किसी सरल रेखा के दो बिंदु दिए हों, दो बिंदु दिए हैं, अब इस सरल रेखा का ढाल क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करें। साथ ही साथ जो रेखा है धनात्मक एक्स अक्ष से 0 से लेके 180 डिग्री का कोण बना सकती है, यह बात हमें पता है। तो दो अवस्थाएं हैं यहां पर, दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। या तो रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से न्यून कोण बना रही होगी या फिर रेखा अधिक कोण बना रही होगी। अब समकोण के लिए तो परिभाषित ही नहीं होता है ढाल, तो समकोण की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि रेखा न्यून कोण बना रही है और हमें दो बिंदु दिए हैं तो हम किस प्रकार से ढाल निकालेंगे, आइए जानते हैं। बहुत मजा आने वाला है, कंटिन्यू करिए। मैंने पेन उठा ली, अपना पेन आप भी उठाओ और फटाफट लिखते जाओ। अच्छा, ये सारा डायग्राम जो है ना, वीडियो को पॉज कर लो, बना लो, उसके बाद साथ में करते हैं, ठीक है। देखो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा चित्र में बच्चों, कि जो आपका रेखा है, ये रेखा जो बनी हुई है ग्रीन कलर से, हरे रंग से बनी हुई है, इसका एंगल धनात्मक एक्स अक्ष से थीटा है, जो कि एक न्यून कोण है। तो हम प्रथम फर्स्ट कंडीशन को देख रहे हैं, पहली परिस्थिति को देख रहे हैं, जब कोण न्यून कोण है। ठीक है, अब जब कोण न्यून कोण है, मुझे फाइंड करना है टेन, तो जरा सा नामकरण कर लेते हैं। ये बिंदु O होता है, मूल बिंदु, इसको A कहा, इस बिंदु को B कहा, इसको हमने C कह दिया, इसको D कह दिया, और यहाँ कुछ भी कह दो, E कह दो, और यहाँ कह दिया F। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों कि जो ये वाली लाइन है CD, CD लाइन बराबर क्या होगी, नीचे लिखा हुआ है, जो कि बराबर EF हुए, और EF लाइन बराबर होगी X2 माइनस का X1, इन्हीं के बीच में तो है ये लाइन। और अगर मैं बात करूं BD लाइन की, ये B एंड D, BD लाइन की बात करूं, तो ये BD लाइन Y2 माइनस Y1 होगी। अब CD पता है, BD पता है, त्रिभुज BDC, देखिए त्रिभुज BDC, इसमें टेन थीटा लिखे तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है Y2 माइनस Y1 और आधार है X2 माइनस X1। तो जो tan थीटा आया, जो कि क्या होता है, ढाल, रेखा का ढाल। अच्छा बच्चों, इस ढाल को स्मॉल n से भी प्रदर्शित करते हैं, तो और इंग्लिश में ढाल को स्लोप बोलते हैं, स्लोप। तो ये m बराबर टेन थीटा बराबर Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस X1। आसान था एकदम। अब अगर आपको किसी रेखा के दो बिंदु दे रखे, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि बिंदु दे रखा है 2,1 और दूसरा बिंदु दे रखा है 3,4, इस रेखा का ढाल बताना है। तो ढाल का सूत्र याद करो भाई, ये क्या हो गया आपका X1, ये क्या हो गया X2, नहीं Y2, Y2 भी नहीं Y1, Y1, और ये X2, ये Y2, तो क्या होगा Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाय X2 माइनस X1। तो Y2 कितना है, Y2 है 4, और Y1 कितना है, Y1 1 है, और X2 कितना है, X2 3 है, और X1 कितना है, 2 है, 4 में से 1 गया 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, ढाल आया 3, या मैं कह सकता हूं tan थीटा बराबर आया 3। ठीक है, आसान था एकदम। आइए और समझते हैं कि जब रेखा अधिक कोण बना रही होगी
तो किस प्रकार से ढाल देखा जाएगा, तब क्या सूत्र में कुछ परिवर्तन होता है या नहीं होता है, क्या सूत्र वही रहता है या परिवर्तित हो जाता है, आइए समझते हैं। तो जब रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से अधिक कोण बना रही हो तो ये द्वितीय परिस्थिति हो गई अपनी, सेकंड केस हो गया। तो देखिए, अच्छा मुझे क्या लेना होता है, धनात्मक एक्स अक्ष से जो कोण बनाए नहीं, टेन थीटा फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो अच्छा आप ध्यान से देखो कि ये जो पूरा कोण बनेगा एक्स अक्ष पे वो 180 होगा सरल कोण, और ये पूरा कोण फाइव प्लस थीटा के बराबर होगा। तो फाइव प्लस थीटा नीचे लिखा हुआ है बराबर होगा 180 के। तो अगर मैं लिखना चाहूं फाइव बराबर क्या होगा, फाइव बराबर हो जाएगा 180 माइनस का थीटा। आसान बात है एकदम, थीटा उधर चला गया, दूसरे पक्ष में ऋणात्मक का हो गया। अब बच्चों दूसरा पॉइंट समझते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, रेखा का ढाल जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हम बेटा क्या करते हैं, हम निकालते हैं ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। अच्छा ये वाला कोण अगर फाई है तो ये वाला कोण भी फाई होगा, सम्मुख कोण है। और अगर मैं लिखना चाहूं त्रिभुज ए बी सी में, तो आपका जो टेन फाई होगा वो टेन फाई बच्चों बराबर होगा ए सी बटे सी बी के। एसी कितना है, एसी है वाई वन माइनस वाई टू। कैसे है देखो, पहला बिंदु ये वाला जो बिंदु ए दिख रहा है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, दूसरा जो बिंदु दिख रहा है बी इसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। तो देखो ये वाली जो लेंथ है आपकी पूरी की पूरी, ये वाली लेंथ जो लंबी है ये वाई वन है, और जो दूसरी है ये वाई टू है, ये वाली लेंथ एक्स वन है तथा ये वाली लेंथ एक्स टू है। तो ये जो बीच में बीसी लाइन आई तो ये ई एफ के बराबर ही होगी, और ई एफ किसके बराबर होगा एक्स टू माइनस एक्स वन के। साथ ही साथ ये वाली लाइन क्या है, ये भाई ये वाई वन माइनस का इधर वाली छोटी वाई वन, इधर वाली बड़ी वाई टू, तो ये कितना हुआ वाई टू माइनस वाई वन, माफ कीजिएगा ये वाली लाइन वाई वन और ये वाली लाइन वाई टू। तो वाई वन ये वाली लाइन है, ये वाई टू लाइन है, और इनको घटाओगे तभी आपको जो मिलेगी लेंथ ये वाली मिलेगी, ये है वाई वन माइनस का वाई टू, ठीक ओके, कोई डाउट। तो वाई वन माइनस वाई टू सी बी की वैल्यू आ गई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू हम समीकरण एक से रख देते हैं, तो समीकरण एक से हमने रखा 180 माइनस का थीटा बराबर है वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो बच्चों याद रखिए, जब भी आपके सामने आए टेन 180 माइनस थीटा तो समझ जाइए टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी इस बात को त्रिकोणमिति में, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को जो कि भौतिक गणित का ही पार्ट हिस्सा है। तो माइनस का टेन थीटा बराबर हो गया वाई वन माइनस वाई टू और भाग दिया एक्स टू माइनस एक्स वन से, तो टेन थीटा बराबर हो गया, देखिए ऋणात्मक का चिन्ह इधर जाएगा तो ये वाई टू माइनस वाई वन बन जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। और टेन थीटा ही बराबर होता है रेखा का ढाल, तो रेखा का ढाल बराबर आ गया रेखा का ढाल आ गया वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई भाग दिया एक्स टू माइनस एक्स वन से। देखो जब अधिक कोण था यही सूत्र, जब न्यून कोण था यही सूत्र, 90 के लिए परिभाषित नहीं अपरिभाषित, ठीक है। तो यानी कि चाहे अधिक कोण हो चाहे न्यून कोण हो सूत्र यही रहेगा।
अच्छा, वे रेखाएं जो एक्स अक्ष के समपाती या समांतर होती हैं, उनका जो ढाल होता है शून्य होता है, वे रेखाएं जो वाई अक्ष के समपाती या समांतर होती हैं, उनका ढाल अपरिभाषित होता है। तो हमने कुल मिला के किसी सरल रेखा का ढाल क्या होता है जान लिया। अब बच्चों सरल रेखा की समीकरण के बारे में जानते हैं। तो किसी सरल रेखा को किस प्रकार से समीकरण से प्रदर्शित करते हैं? तो एक समीकरण हमने देखी थी, ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये सरल रेखा की समीकरण का एक रूप हो गया। दूसरा रूप क्या होता है? तो किसी सरल रेखा की समीकरण का द्वितीय रूप जो है वो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आइए इसको जानते हैं। तो हमारे पास है एक रेखा, सरल रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और बच्चों यहां पर समझना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m जो होता है वो होता है रेखा का ढाल। m क्या होता है यहां पर? रेखा का ढाल, स्लोप ऑफ दी लाइन। ठीक है बेटा, ये स्लोप ऑफ दी लाइन हो गया। अब देखते हैं ये रेखा किस तरीके से बनेगी। तो देखिए, आपको पहले x बराबर 0 रखना है। तो x बराबर जब 0 रखा, तब y का क्या मान आया? y बराबर c आया। यानी कि जब x शून्य है तो यह रेखा सी पर काटेगी। अब उसके बाद क्या करा, वाई को शून्य रख दिया। और वाई शून्य होने का मतलब कौन सी रेखा है? एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो वाई को जब शून्य रखा तो मेरे को मिला एक्स बराबर माइनस का सी बाई एम। तो जब वाई शून्य है यानी कि एक्स अक्ष की बात है, तो एक्स अक्ष पर ये माइनस के सी बाई एम पर काटती है। तो हमें ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों। अब इस रेखा का ढाल कितना है? वो है एम। अगर मैं आपको दूं एक y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो बताइए यह रेखा y एक्स पर, y अक्ष पर कहाँ काटेगी? तो आपको तुरंत देख के पता चलेगा, सर ये y अक्ष पर 3 पर काटेगी। जो इसका y अक्ष पर काट रही होगी, उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0,3। और ये x अक्ष पर कहाँ काटेगी? तो x अक्ष पर बच्चों कहाँ काटेगी? तो देख लीजिए, c बाई एम, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें या तुलना करें तो हमें पता चलेगा m बराबर 2 है और c बराबर 3 है। तो यहां से हमें पता चलेगा माइनस का c बाई एम पर काटती है, सभी को पता है। और ये माइनस का c बाई एम बराबर क्या हो गया? माइनस का 3/2। ठीक है, तो ये यहां काटेगी। और अक्ष पर जिस बिंदु पे काट रहे हो उसके निर्देशांक हो गए माइनस का 3/2,0। आइए बच्चों अब समझते हैं कि अगर मेरे को दे रखा है वाई बराबर सी, तो ये क्या है? यह भी बेटा एक रेखा की समीकरण है, और वो रेखा जिस पर वाई का मान हमेशा सी के बराबर रहेगा। तो ऐसे यानी कि एक्स का मान चाहे कुछ भी हो, लेकिन y का मान क्या रहेगा? c के बराबर रहेगा। तो ऐसी रेखा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं। तो मैंने कहा x का मान चाहे कुछ भी, तो x कहां पे? यहां से लेके यहां पर, लेकिन y का मान फिक्स है c, ओरिजिन से c। तो देखिए यह रेखा x अक्ष के समांतर होगी, ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रकार की रेखा x अक्ष के समांतर होती है बेटा। ये रेखा x अक्ष के समांतर है तथा इस रेखा की समीकरण जो होती है y बराबर c होती है, और ये जो दूरी होगी वो c होगी, ये अपना मूल बिंदु 0,0। तो इस प्रकार की रेखा है। अगर मैं आपसे पूछूं y बराबर 2
क्या है? तो यह है एक रेखा की समीकरण है जिस पे x का मान तो चाहे कुछ भी हो लेकिन y का मान हमेशा फिक्स रहा और वो रहा 2। तो एक इस प्रकार से देख लेते हैं किस प्रकार से ये रेखा बनेगी बच्चों। मान लीजिए ये है 2, तो यह रेखा x अक्ष के समांतर होगी तथा इस रेखा पर y का मान जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। तो ये 2 इकाई या इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा 0.2। तो यह रेखा y इज इक्वल टू सी रेखा, यह रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तथा इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का y का मान c होगा। ठीक है, इस बिंदु पर स्थित किसी भी, इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का मान c होगा। मैं बात करूं कि x is equal to 2 वाले पॉइंट की भाई, तो x is equal to, मैं बात करूं y is equal to 2 वाली रेखा की, तो यहां पर कोई भी बिंदु ले लें आप, कोई भी। अगर मान लीजिए यहां पर ये जो है ये आपका 3 है, तो इस बिंदु में जो निर्देशांक आएंगे इस बिंदु के 3.2 आएंगे। तो देखिए y का मान फिर से 2 ही है और ये रेखा कौन सी थी? y बराबर 2। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि y अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण क्या होगी। तो आइए जानते हैं y अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण क्या होगी। तो एक रेखा है x बराबर c, तो इस रेखा की विशेषता ये रहेगी कि इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का x तो c के बराबर रहेगा और y का मान कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं यहाँ पर। अगर मैं एक बिंदु ले लूं कोई सा भी, तो देखिए इस बिंदु पर, देखिए ये पहला बिंदु अगर ये लिया a, तो बिंदु a के जो निर्देशांक होंगे बच्चों वो होंगे 0 नहीं, वो निर्देशांक होंगे सी कॉमा 0। और इस पर कोई भी दूसरा बिंदु b ले लूं, तो इसका मान लीजिए ये जो y का मान है ये कुछ 3 है, मान लीजिए मान लेते हैं, तो क्या होगा? तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे c.3। यानी कि y का मान तो प्लस में भी कुछ हो सकता है, माइनस में भी कुछ हो सकता है, किंतु x का मान निश्चित है जो कि c है। तो x बराबर 2 पूछू, तो x बराबर 2 वह सरल रेखा होगी जो x अक्ष को 2.0 पर काटती होगी तथा y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, तो क्या है परिभाषा इसमें? x बराबर 2 अगर रेखा दे रखी, तो इस बात से हमें यह समझ में आता है x बराबर 2 वह रेखा होगी जो x अक्ष को 2.0 पर प्रतिच्छेदित करती होगी या काटती है तथा y अक्ष के समांतर है। ठीक है, इस रेखा का ढाल क्या होगा? परिभाषित होगा तो कितना होगा, अपरिभाषित होगा तो कितना होगा? आप लोग सोचिए, वीडियो रोकिए, बताइए मुझे। मैं समझता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होगा। देखिए, वह रेखा जो x अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाए या फिर y अक्ष के समांतर हो, उसका ढाल अपरिभाषित होता है।